तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारे द्वारा यहाँ पर आप सभी को त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर दिखाया जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है हमारी कि अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 12वीं का 11वीं का आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर दोस्तों कैसा आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहां से परीक्षाओं में से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो को पूरा लास्ट समय तक देख लिया तो आप ये समझिएगा दोस्तों कि पूरा का पूरा आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपका कक्षा 11वीं का त्रैमासिक परीक्षाओं का दोस्तों भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आपसे पूछा जाएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों यहां से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। तो देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं, देखते और समझते हैं कि आपका दोस्तों भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा, कितने क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे और इन सब की तैयारी आपको किस प्रकार से कर लेनी है। देखिएगा, आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो, कुल प्रश्नों की संख्या दोस्तों 20 होगी, कुल मुद्रित प्रश्नों की संख्या आपकी 6 होगी। आप लोग देख सकते हो यहाँ से पूरा का पूरा आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा दोस्तों भूगोल विषय का, वो बिल्कुल इसी प्रकार से दोस्तों आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। इसलिए आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से इस क्वेश्चन पेपर को पूरा लास्ट समय तक जरूर देखेंगे। देखिएगा, आपका जो क्वेश्चन पेपर दोस्तों पूरा का पूरा A to Z यहाँ से आएगा, वो बिल्कुल दोस्तों इसी प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं वीडियो में, देखते हैं और समझते हैं कि दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर आपसे किस प्रकार का पूछा जाएगा और किस आधार पर दोस्तों यहां से आपको इसकी तैयारी को कर लेना है। तो आप पूरी तरह से दोस्तों यहां से इसको देख सकते हो, बिल्कुल आपका जो दोस्तों क्वेश्चन पेपर होगा भूगोल का वो इसी प्रकार का आएगा जैसा कि दोस्तों हमारे द्वारा यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। तो चलिएगा, आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कक्षा 11वीं भूगोल विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका पूरा सोल्यूशन। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा आपका भूगोल विषय का क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग यहाँ से इसको देखिएगा दोस्तों, देख लीजिएगा और इसी के साथ में दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। देखिएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका फर्स्ट नंबर का आ जाएगा, मैदान। आप लोग यहाँ से इसको मैदान के ऊपर चिन्ह लगा लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पर लिखाया गया है, आप लोग यहाँ से इसको नोट करेंगे। क्या लिखा है दोस्तों, क्रमबद्ध उपागम का प्रवर्तन किस विद्वान के द्वारा किया गया था। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी नंबर का आ जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, जोवेलियन ग्रे है। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बी नंबर का आ जाएगा, बृहस्पति दोस्तों जोवेलियन ग्रह है। और उसी के अलावा अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और समझ लीजिएगा। देखिएगा क्या लिखा है, दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान की गहराई है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा ए नंबर का, कितना दोस्तों, 3 से 4 किलोमीटर, इतनी गहरी खान है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में सोने की। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, आधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए नंबर का आ जाएगा, गंधक। और उसी के अलावा आगे आप लोग दोस्तों यहां से देख पा रहे हो, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहां से दोस्तों आपसे रिक्त स्थान की पूर्ति पूछी गई है। पहला रिक्त स्थान दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको नोट कर सकते हो, भूगर्भ में मौजूद तरल चट्टानी पदार्थ कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, इनको मैग्मा कहा जाता है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, मैग्मा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, युवाल से बड़े गर्त कहलाते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है, इसमें से आपको लिख लेना है पोलिए। क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये पोलिए कहलाते हैं। आप लोग यहाँ से इसको देख लें और नोट कर लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3, मंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो देखिएगा दोस्तों, ये इसमें आपको लिख लेना वायुमंडल। कौन सा मंडल दोस्तों, वायुमंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहते हैं। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन, सागरीय जल की लवणता प्रति 1000 ग्राम होती है। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है, इसमें से आपको लिख लेना 35 प्रति 1000 ग्राम की होती है। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग यहां से इसको नोट कर लें, स्थल मंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल के मिलन स्थल को कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपका आ जाएगा जैव मंडल। क्या लिख लोगे आप दोस्तों यहाँ से, जैव मंडल दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन लिखा है, दो नदियों के मध्य की भूमि को कहते हैं। देखिएगा दोस्तों, दो नदियों के
मध्य की भूमि को दोस्तों दो आब कहा जाता है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे। और उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिएगा यहाँ से दोस्तों आपसे उचित संबंध जोड़िए, यहाँ से दोस्तों आपसे उचित जोड़ी पूछी गई है। आप सब लोग दोस्तों यहाँ से जोड़ी का मिलान करना सीख लेंगे। तो पहले नंबर की जो जोड़ी दी गई है दोस्तों, इसका मिलान दोस्तों आपको सी से कर लेना है, और दूसरे नंबर की जो जोड़ी दी गई है दोस्तों, इसका मिलान दोस्तों आपको ई से कर लेना है, और तीसरे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है दोस्तों, इसका मिलान भी दोस्तों आपका ई से हो जाएगा, और चौथे नंबर की जो जोड़ी दे रखी है दोस्तों, इसका मिलान भी दोस्तों आपका बी से हो जाएगा, और दोस्तों पाँचवें नंबर की जोड़ी का मिलान इससे हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सभी लोग दोस्तों यहाँ से जोड़ी का मिलान कंप्लीट कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग देख सकते हो, एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ से दोस्तों आप सभी से एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। आप लोग दोस्तों यहाँ से इसको देख सकते हो, भूमध्य रेखा से किस ओर जाने पर सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती है। तो देखिएगा दोस्तों इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा ध्रुवों की ओर जाने पर। क्या लिख लोगे आप? ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर आप पूरा लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ज्वार की उत्पत्ति पर किसका प्रभाव पड़ता है। देखिएगा दोस्तों ज्वार की उत्पत्ति पर दोस्तों चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है, इस जगह से आप लोग नोट कर लेंगे चंद्रमा। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, असुरक्षित प्रजातियों को किस प्रकार का खतरा है। देखिएगा दोस्तों असुरक्षित प्रजातियों को विलुप्त होने का खतरा है, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लें, विलुप्त होने का खतरा है। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। तो देखिएगा दोस्तों भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, आप लोग यहाँ से इसको देख लें और नोट कर लेंगे, हिंद महासागर। उसी के अलावा दोस्तों अगला क्वेश्चन लिखा गया है, देखिएगा भारत के कौन से विभाग को खनिजों का भंडार कहते हैं। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। क्या लिख लोगे? प्रायद्वीपीय पठार, दोस्तों आप लोग यहाँ से इसको लिख लेंगे। उसी के अलावा अगला क्वेश्चन दिया रखा है, देखिएगा इसको समझ लेने के बाद में वन विनाश का मुख्य कारण क्या है। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा गया है, इसका राइट आंसर आपका दोस्तों आ जाएगा जनसंख्या वृद्धि। क्या लिख लोगे आप दोस्तों यहाँ से? जनसंख्या वृद्धि दोस्तों वन विनाश का मुख्य कारण है। और उसी के अलावा दोस्तों आगे आप लोग यहाँ से देख सकते हो, सत्य असत्य दोस्तों यहाँ से आपसे पूछे जाएंगे। फर्स्ट नंबर का दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा, सेकंड नंबर का दोस्तों आपका असत्य हो जाएगा, ये आपका दोस्तों सत्य हो जाएगा, चौथे नंबर का भी दोस्तों आपका असत्य क्वेश्चन होगा, और इसके अलावा दोस्तों पाँचवें नंबर का भी दोस्तों आपका सत्य हो जाएगा, उसी के अलावा दोस्तों छठे नंबर का क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग यहाँ से सत्य असत्य कर लेंगे। चलिएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे दोस्तों यहाँ से आप इन क्वेश्चन को देख पा रहे हो, पूरा का पूरा पेपर दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, आप लोग यहाँ से इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। देखिएगा दोस्तों पूरा का पूरा आप लोग यहाँ से इसको देख लें, तैयार हो लें। तो देखिएगा आप सब लोग इन क्वेश्चन को नोट कर लें, पूरा का पूरा आपका जो पेपर होगा दोस्तों, आप लोग यहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपका दोस्तों इसी प्रकार का पूछा जाएगा। देखिएगा दोस्तों आप सब लोग यहाँ से इसको नोट कर लेंगे, आप सभी से दोस्तों क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। देखिएगा यहाँ से आप लोग देख सकते हो, खादर और बांगर में अंतर, काली मिट्टी और जालौन मिट्टी में अंतर, संकट किस दिशा में आपदा बन जाता है, और उसके अलावा आगे क्वेश्चन दिए गए हैं। आप सब लोग दोस्तों यहां से इन क्वेश्चन को नोट कर लेंगे, ए टू जेड क्वेश्चन दोस्तों आपसे परीक्षाओं में इसी प्रकार के पूछे जाएंगे, जैसा कि दोस्तों मेरे द्वारा यहां पर आपको दिखाया गया है। तो आप सब लोग दोस्तों यहां से इसको तैयार कर लें। इसी के साथ में दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।